लक्ष्य का क्या है अपने अभी मैं आया था इलांटे मॉल सब प्राइवेट मीटर के लिए एंड आधा घंटा डिले था क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक जाम बहुत था चंडीगढ़ का एंड यहाँ पर बहुत सब्सक्राइबर आए हैं बहुत दूर दूर से एक भाई रोहतक से आए थे कहाँ हैं भाई रोहतक से आए हैं 250 किलोमीटर दूर आए हैं पटियाला से भाई भाई पटियाला से भी आए हैं शिमला से शिमला और लुधियाना से कौन आया ये मैं पीछे खड़ा और भी दूर दूर से है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर से लोग सब्सक्राइबर मीटअप पे आए हैं तो अभी कुछ बात बात करते हैं भाई हम निखिल से मिले थे तब कैसा रहा था एक्सपीरियंस भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी लोग कहते हैं कि अच्छे से बात नहीं करते ऐसा कुछ नहीं है बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं देवू भैया से भी मिला था मैं घर पे रहा था और बहुत अच्छे से ट्रीट करा था अच्छा भाई में गुस्सा था निखिल भाई में गुस्सा था बिल्कुल भाई कैमरे के आगे सबको लगता है ऐसा कुछ होता है अच्छा अच्छा जब तुम निखिल से मिलने गए कितने सब्सक्राइबर थे आपके भाई मेरे थे 500 कुछ 400 लौटते लौटते कितने जो दिल्ली आए थे भाई घर लौटते लौटते 8000 हो गया उसके बाद 9000 फिर रुके थे अच्छा फिर लद्दाख की राइड से लद्दाख की राइड के बाद 50000 हो गए थे फिर भूटान की राइड के बाद 80000 और अभी चंबा की राइड के बाद 1,00,000 लद्दाख वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा स्कूटी से भाई लद्दाख का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था स्कूटी का तो अलग ही मजा भाई अच्छा नहीं यार हमें तो पता नहीं स्कूटी तो टफ ही लगता है यार देखने में तो बहुत नहीं भैया का तो मिला था रास्ते में जब मैं वापस दिल्ली जा रहा था अच्छा फैमिली में कौन कौन आई आपके भाई मेरा भाई है मेरी मम्मी है पापा और एक कोको डॉग अच्छा 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 बदर को देखा नहीं कभी ब्लॉग में आता है तो फिर ऐसे पहचान कम ही देखा ना बाकी वीडियोस में होगा फ्लैग ऑफ की वीडियो अच्छा फ्लैग ऑफ की वीडियो अब वो ऐसे ना एक्चुअली ऐसे पहचान में नहीं आता ना तक किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करा बड़ा अच्छा भाई आपने YouTube शुरू कब किया था भाई मैंने YouTube शुरू करा था 2017 मार्च में प्रॉपर वाला अच्छे तरीके से उसको मतलब कहते हैं सीरियसली जनवरी में स्टार्ट किया था और अभी कितनी एज होगी आपकी 19 आप कौन सा कैमरा यूज करते हो एसडी से के लिए कौन सा कैमरा 26 यूज करता हूं सेवन कैसा है मैं वो लेने का सोच रहा हूं एसडी कैमरा सबसे बेस्ट है भाई लाइसेंस मेरा बर्थडे आता है मैंने कब से अप्लाई करके रखा है पता नहीं क्या मेरा बर्थडे था 10 सितंबर को ठीक है तो मैं लाइसेंस अप्लाई करने गया था 13 सितंबर को और पहले टेस्ट में फेल हो गया था सही सही बताना जोड़िया बोल रहा फिर अगले हफ्ते साफ आ रहा है इसमें देखना हाँ। उसके अगले हफ्ते जो रिटेस्ट था उसमें फिर मैंने अप्लाई करा फिर उसमें मेरे को मिल गया अच्छा एक महीने का तो लर्निंग था उसके बाद फिर मैंने परमानेंट बनवाया फिर परमानेंट बनवाती विद इन फर्स्ट वीक में चले गया था मुंबई नॉली बॉर्डर पर लेते हैं अपना एक आधार कार्ड और स्कूटी या बाइक की आरसी और एक फोटोग्राफ बस ना आधार कार्ड चाहिए और व्हीकल अपने नाम पर होनी चाहिए अगर व्हीकल पापा या मम्मी के नाम पर है तो आपको उनका आधार कार्ड या कोई आईडी प्रूफ जिसमें आपका ब्लड रिलेशन मैच हो जाएगा अच्छा अच्छा जैसे मम्मी के नाम पे मम्मी का आधार कार्ड ले लो अब नेक्स्ट ब्लॉग गर्लफ्रेंड के साथ कब देखने गर्ल कभी मैसेज वगैरह आते हैं लड़कियों के नहीं इंस्टाग्राम पर आते हमें तो करते नहीं भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का कि लद्दाख में कितना पैसा लगता है लद्दाख में बता दूँ कैरी आप करो 30,000 अच्छा कैश इस साल है कोई जाने का प्लान लद्दाख इस साल फिर से आ रहे हो आप भी जा रहे हो क्योंकि YouTube पे मर्च वगैरह जैसे UIC का आया हुआ है भाई अभी देखो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी YouTube पे इतना रेगुलर हो नहीं पा लक्ष्य का कैमरा क्योंकि अपने भाई कैमरा और सेटअप कितने का पड़ा भाई इस कैमरा सेटअप को मेरे को लेने में एक साल है जी भी अच्छा आ जाता है विद माइक हां विद माइक विद माइक जो भी और विद बैटरी और विद बैटरी कल फिर कितने महीने करना लक्ष्य माइक कल आदमी मालूम बोलेरो से जा रहे हो ना सर और काफी लोग आ रहे हैं दो तीन लोग ऐसा कितने दिन का टूर है एसआरटी की नहीं भाई एसआर तो यहीं पार्किंग में खड़ी करके जाऊंगा कितने दिन प्लान था देखो भाई अप्रैलिया बजाने का बट बहुत ही टफ टेरेन होने वाला है मतलब स्नो इतनी मिलेगी तो स्कूटी में इम्पॉसिबल है बाइक भी इम्पॉसिबल है ब्लैक आई सब बहुत मुश्किल हो गया तो इस बार कोशिश करेंगे एक बार रेकी कराएंगे रेकी टूर उसके बाद अंदाजा हो जाएगा कैसे चलाना लक्ष्य ऐसे यहाँ से जाओगे तो स्पीति होके फिर वहाँ जो काजा होते हुए वहाँ से लौटोगे मनाली होके रोहतांग होके या फिर ऐसे ही लौटोगे कुछ अभी पता नहीं है अच्छा पता है पहले हम कल्पा जाएंगे कल्पा ओके फिर किब्बर किब्बर ओके ओके अभी खुद को मेरे को आइटनरी नहीं पता है कि कभी डालो के बीच में भाई देखो ये वाली वीडियो तो कल आ जाएगी शूटिंग मैंने कर दी है कल आ जाएगी
कौन सा वाला वीडियो? और ये जो आज तक ये तो अब तो लौट के होगा। हाँ ये तो लौट के होगी क्योंकि वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी तो होनी नहीं। अच्छा ये होगा, एडिट कर लेना आराम से, आते ही डाल दिए। हाईलाइट के बीच में नहीं होती एडिट। ये हो क्या है? ये भी बोल रहा है, ये तो बस निकल कर रखता हूं नहीं मैं। ओके बाइक कौन सी है? बट ये तो मैंने चीज देखी जो लद्दाख जाता है उससे सबसे ज्यादा 1% बढ़ते हैं, कुछ भी बढ़ते हैं, चाहे 10,000 बढ़े चाहे 20,000 में। सबसे पहली बात तो या तो ब्लॉग हिंदी में करो या तो इंग्लिश में करो या तो सिर्फ सिनेमेटिक शॉर्ट दिखाओ। दूसरा थंबनेल बढ़िया होना चाहिए। तीसरा कि गाना बढ़िया यूज करो और उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डालो, कॉपीराइट ना लगे। और कुछ टैग्स होते हैं, जैसे अगर आप कुछ फनी रिएक्शन कर रहे हो तो टैग में डाल दो फनी रिएक्शन, अपने चैनल का नाम डालो, अपना नाम डालो और किस चीज़ से रिलेटेड है, कार से रिलेटेड है, कार डाल दो, कार की कंपनी डाल दो, ये सब डाल दो तो उससे वीडियो हाइक मार जाएगी। अच्छा अगर भाई कैमरा पब्लिक में कैसे निकाल ले है? कैमरा पब्लिक में निकालते सारे देखते आप भाई तो देखो पहले मैं सही बात है, पहले मैं आईफोन से ब्लॉगिंग करता था तो मेरे को ना ऐसे करने में शर्म आती थी, बट वो डर निकल जाता है कुछ टाइम में, कुछ टाइम में निकल जाता है। अब तो ये इतना बड़ा ले लिया है, इसको भी देख के भाई बंदे देखते कर कर है कैमरे से बात कर रहा है पागल लगे ऐसे बोलते हैं। भाई गोप्रो मैंने लद्दाख में यूज करा, मतलब डर निकल जाता है। 04,000 तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं भाई कैमरा लेके वैसे पकड़े जाते हैं, वो लोड कर कहते हैं भाई बेवकूफ है अपने आपसे बातें कर रहा है कैमरे में। भाई स्ट्राइक कॉपीराइट स्ट्राइक आई है वैसे कॉमेडी कर ले। अगर आप कोई कॉपीराइट गाना यूज़ कर रहे हो और उसका लिंक नहीं डाल रहे हो तो कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी आएगी विद इन हाफ एन आवर आ जाती है। और अगर जैसे अगर आपकी वीडियो है इन भाई ने अपने चैनल पर डाल दी और अगर आपने इन पर स्ट्राइक मार दी तो इनकी पहली स्ट्राइक आएगी, और दो बार मार दी चैनल डिलीट हो जाएगा। तो मैं तो अपने इसके अलावा मेरा फादर का बिजनेस है। स्टडी क्या है? स्टडी का स्टडी 12th पास और होटल मैनेजमेंट। अरे मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट हो गई, हो चुकी है नहीं अभी एंट्रेंस एग्जाम। सबसे पहले तो है अपना मुंबईकर निखिल इंडिया का, उसके बाद है पीटर मैकेनन, उसके बाद केसी नेक्स्ट भाई साहब। भाई या तो नॉर्थ ईस्ट या तो अपना सेवन सिस्टर्स की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, या तो सेवन सिस्टर्स साइड करूंगा या तो केटू। आपने पाया भी था नॉर्थ ईस्ट का? हां नॉर्थ ईस्ट या तो केटू। ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? वंडरशेल फॉर्मूला तो इसमें कितना मेमोरी कार्ड लगा हुआ है फिलहाल? 32 में तो नहीं बनेगा बात 7 दिन का भाई। देखो हाँ एक बात, दिन की कम से कम 30 GB का डाटा हो जाता है मेरा। अच्छा लैपटॉप कैरी तो फिर लैपटॉप कैरी करना पड़ेगा आपको। लद्दाख वाले में क्या करा था आपने? हार्ड डिस्क कैरी करी। अच्छा हार्ड डिस्क करके जैसे साइबर कैफे पे जाके कर लो। नहीं तब एक स्ट्रॉन्टियम का डिवाइस आता था। ओके अच्छा हां वो आप था, ठीक है स्पोंसर फोन से लिंक कर लो। अच्छा अच्छा ला दो सारा डाटा उसमें, आप गोप्रो भी लगा सकते हो, गोप्रो का इधर फोन का इधर इधर। अच्छा 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 बाकी घर पे आके फिर एडिट कर लो। आपको ट्रैवलिंग के लिए चाहिए तो बेस्ट है स्ट्रॉन्टियम का वाईफाई क्लाउड। वाईफाई क्लाउड ओके सस्ता भी बढ़िया भी। अभी तो मैं जा रहा हूँ रूम में एंड कुछ देखेंगे आसपास एंजॉय करेंगे। थैंक यू भाई आने के लिए।